कुछ जनरल बातें हैं जो मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ, क्योंकि पहली बार आप एमएसबीटी बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हो। आपके दिमाग में बहुत सारे टेंशन्स रहेंगे, बहुत सारे सवाल रहेंगे कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आ रहा है, कॉपी चलेगी क्या, मैं किसी और से सवाल के जवाब पूछ सकता हूँ क्या। देर वुड बी सो मेनी क्वेश्चन इन योर माइंड, सो लेट मी क्लियर द कन्फ्यूज़न। देखो, ये एमएसबीटी बोर्ड एग्ज़ाम है, ये काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है, स्ट्रिक्ट सर्विलियंस होता है। कुछ कॉलेजेस में तो ऑब्वियसली कैमराज होते हैं, हमारे कॉलेज में कैमराज नहीं हैं, लेकिन जो सुपरवाइज़र या इन्विजिलेटर आपके ऊपर रखे जाते हैं ना, दे आर ऑलवेज पेइंग अटेंशन टू यू। तो पहली बात तो आपने सिर्फ पढ़ाई करके ही आना है। दूसरी बात, एग्जामिनेशन सेंटर में जब आओगे तो आपके पास आपका हॉल टिकट होना ज़रूरी है, आपका आई कार्ड होना ज़रूरी है, और जो भी राइटिंग मटेरियल रखता है आपको वही। अगर आप राइटिंग पैड भी लाते हो तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट लेके आओ, जिस पे कुछ भी लिखा ना हो। मोस्टली तो वो आपको अलाउ करेंगे नहीं, अगर आपकी डेस्क खराब है तो शायद वो आपको अलाउ करें। तो आपका खुद का कैलकुलेटर होना चाहिए, आपके राइटिंग जो भी मटेरियल, पेन, पेंसिल, इरेजर, जो भी लगता है आपको एग्जामिनेशन में, जो भी मैथमेटिक्स का पेपर है या फिर इंग्लिश का पेपर है या किसी और सब्जेक्ट का है, तो आपका खुद का होना चाहिए। आप किसी को मांग नहीं सकते ड्यूरिंग दीज 3 आवर्स, आपको कोई प्रोवाइड भी नहीं करेगा। कुछ ग्राफ्स या चार्ट्स या जो भी आपको टेबल्स वगैरह लगते हैं वो आप घर से नहीं लाना है, अगर आपको लगते हैं तो आपको एग्ज़ाम सेंटर प्रोवाइड करेगा। तीसरी बात, यूनिफॉर्म में ही आना है। बहुत सारे बार लोगों को लगता है यार एग्ज़ाम है तो हम लोग चल के उठ के कैसे ही आएंगे, नहीं, डोंट डू दैट। आपको यूनिफॉर्म में ही आना है, और मोस्टली ट्राई टू अवॉइड शूज़। अगर शूज़ लाने हैं तो सॉक्स मत लेकर आओ, क्योंकि आपको अननेसेसरी ये लोग बोलेंगे कि शूज़ निकालो, सॉक्स निकालो, तो आपका टाइम जाएगा। बेटर अगर आपके पास सैंडल है या जो भी है, ऐसी आसान फुटवेयर जो कि आप रिमूव कर सकते हो, पहन सकते हो, ऐसे फुटवेयर पहन के आओ ताकि आपका टाइम ना जाए। तीसरी बात, अगर आप आ रहे हो तो डोंट फोल्ड योर स्लीव्स। जो भी स्क्वाड वाले आएंगे वो बोलेंगे स्लीव स्लीव्स निकालो, ये करो वो करो, आपका टाइम बर्बाद होगा, आप डिस्टर्ब होगे, आपका लिंक टूटेगा। तो ऐसी कोई भी चीज़ आप करके मत लेकर आओ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह ज़रूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर टाइम देखने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। हर 1 घंटे के बाद आपको बेल सुनाई देगी कि 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ या 10 मिनट बाकी है। वो आपको जो सुपरवाइज़र का इन्विजिलेटर है वो बताएगा, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। भूल के भी, फिर से बोल रहा हूँ, भूल के भी कोई चिट या कॉपी या कोई भी मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक गिज़्मोस, किसी भी प्रकार का कोई भी माल प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करो। वो इन्विजिलेटर या फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं बोर्ड के, उन्होंने अगर पकड़ लिया तो 3 साल बर्बाद हो जाएंगे, या 1 साल, या एक पेपर आपका पक्का बर्बाद हो जाएगा, कॉपी केस हो जाएगी, और वो जो स्ट्रेस है शायद आप झेल नहीं पाओगे, और उसका असर नेक्स्ट पेपर पे भी होगा। इसलिए बेटर आप पढ़ाई करो, आपको बहुत टाइम मिलता है, 2 पेपर के बीच में बहुत सारा गैप है, तो आप दिल से काम करोगे, दिमाग से काम करोगे तो हो जाएगा। और एक टिप, अगर आपको कोई सब्जेक्ट बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है, तो एज ऑफ नाउ ये सेमेस्टर में आपने उसको अटेम्प्ट भी नहीं किया तो भी चलेगा, बाकी सब्जेक्ट जो आ रहा है ना वो क्लियर करके रखो। क्योंकि आपने 2-3 सब्जेक्ट में अगर आप रह भी गए, फेल भी हो गए ना, तो कोई फर्क नहीं, आपको सेकंड सेमेस्टर में एडमिशन मिलता है। जब समर एग्जाम आती है तो फिर से फॉर्म भरना है, थोड़ा सा पैसों का लॉस होगा और आप फिर से अपियर कर सकते हो। लेकिन माल प्रैक्टिस या कॉपी किसी भी प्रकार की करने की कोशिश मत करो। आपके जो सब्जेक्ट टीचर है जिन्होंने पढ़ाया है वो काफ़ी फ्रेंडली भी हो सकते हैं आपके साथ ड्यूरिंग द लेक्चर्स एंड प्रैक्टिकल, लेकिन अगर वो आपके इन्विजिलेटर है तो वो एक रोल में होते हैं, बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कॉलेज की नहीं, तो उन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% सिंसियरली करनी पड़ती है। अगर उन्होंने आपको एक दूसरे के साथ बातें करने दिया और उसी वक्त स्क्वाड आया ना, तो उस बोर्ड का स्क्वाड उन पे भी एक्शन लेगा। इसलिए मोस्टली सुपरवाइज़र अपने टीचर है, फिर भी डोंट टेक द थिंग्स ग्रांटेड। एक दूसरे को पूछने की ज़रूरत नहीं, दोस्ती यानी उस हॉल के बाहर, कोई भी कितना भी करीबी दोस्त हो उसको पूछना नहीं और उसको बताना नहीं, क्योंकि पीछे वाले ने आपको कुछ पूछा, आपने यू सिंपली चेंज योर पॉस्चर, और सामने वाले को पता चल गया कि आप पीछे देख रहे हो, वो ये नहीं पता करेगा कि पीछे वाले ने आपको बुलाया, वो सीधे आपकी आंसर शीट ले लेगा। सो बेटर आप अपने आजू बाजू वालों को भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर दो कि भाई दोस्ती यारी इस हॉल के बाहर, मुझे कुछ बताना नहीं, मेरी हेल्प लेना नहीं, आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करना है आपके पेपर पे। और जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है ना,
और सॉल्व करना शुरू कर दो। बहुत बार लोग क्या करते हैं, पूरा पेपर पढ़ लेते हैं और फिर ये करते हैं, ज़रूरत नहीं। क्योंकि पूरा पेपर पढ़ने के बाद अगर एक दो तीन सवालों के आंसर्स आपको दिमाग में नहीं आए ना, तो हमारा फिर पैल्पिटेशन बढ़ जाता है और ऑल इज वेल होता नहीं है हमारे इधर। वो रैंचो ने बोला है ऑल इज वेल, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। हमारा डर शुरू हो जाता है कि यार तीन सवालों के जवाब मुझे आ नहीं रहे, तो फिर मैं क्या करूँ इस हालत में। आपके पास जवाब नहीं होता, इसलिए बेटर आप क्या करना है कि जैसे ही सवाल आया आप उसको शुरू करो सॉल्व करना। समझ में आ रही बात? अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए, तो यू कैन राइट मी, यू कैन कॉल मी और यू कैन व्हाट्सएप मी। आई विश यू गुड लक। आई होप कि सभी के सभी मेरे बच्चे सेकंड सेमेस्टर में पास होके जाएंगे और खुद के एफर्ट्स के पर। गुड लक।